जनता के रखवाले ही जब जनता के भक्षक बन जाएं तो आम आदमी का कानून पर कैसे यकीन रहे। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सामने आया है, जहां एक दरोगा व उसके परिजनों पर युवती को बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप लगा है। जब युवती के साथ बलात्कार का मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया तो आरोपी दरोगा देवेंद्र यादव व उसके बेटे विकास यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और तुरंत दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में पीड़ित युवती ने बताया कि वह अपने बेटे से शादी का झांसा देकर अलीगढ़ के अतरौली ले गया और वहां पर अलग अलग जगहों पर ले जाकर रखा और इस दौरान उसने पीड़ित युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। आपको बता दें कि आरोपी दरोगा पर बलात्कार के साथ साथ जनपद संभल के हयातनगर थाना में तैनाती के दौरान भी माल खाने में चोरी करने का मामला भी दर्ज है। पुलिस ने अब सख्ती से आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अभी नहीं आना, उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है। 18 कोर्टमेंट कराई थी, उन्हीं से मुझे मारा था। कप्तान के पास भेजा था मुझे, तो जाए क्या ना, कप्तान ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और दिल्ली की मीडिया बुलाई थी, उस 10 लाख रुपए गई थी वो कप्तान को बाहर गन फटाने के लिए। जी हाँ, दिल्ली मीडिया बुलाई थी, वहाँ 4 लाख रुपए पहुंच गए, 6 लाख मिल गए अभी। वो किस लिए दिए थे पैसे? कप्तान को हटाने के लिए कह रहे हैं। आप तू जाना, कपड़े फाड़ बाहर निकल आना, दिल्ली की मीडिया बाहर खड़ी होगी। तो कह रहे ना, मेरे से उन्होंने बदतमीजी करी कप्तान साहब ने। कप्तान साहब के ऊपर? जी जी, उन्हें हटवाने के लिए। मैं उसी वजह से निकली आई कि मैंने चल में जा रही हूँ, दबा दूंगी, वहां से निकलने की वजह से मैंने आ गई। अच्छा, कितनी जगह है? 4 बीघा है। उसमें कोई रह रहा है? उसमें चौकीदार रहता है मेरा। अच्छा, मेरी वाइफ के नाम है उस पर। आज हुआ अवैध कब्जा करना चाह रहा है कि ये चल जेल चला जाए, इसका लड़का जेल चला जाए और हम कब्जा कर लेंगे पोशाकी वगैरह। अच्छा, शादी इसने अपनी मर्जी से की थी ना? नहीं, पोशाकी ने अपनी मर्जी, माँ बाप की मर्जी शादी हुई। अच्छा, माँ बाप की, माँ बाप की मर्जी शादी हुई। फोटो भी है मेरे पास, वीडियो भी है, सब कुछ है। इसे विधायक बनाने का भी सपना दिखाया था, इसका आरोप किसका? गीता का। गीता का कहना है कि आपने जो विधायक बनाने का सपना? नहीं, विधायक बनाने का सपना कुछ नहीं, अध्यक्ष पद पर लड़ी थी जब मैं यहीं था तो छात्र संघ अध्यक्ष बनी थी। अभी तो आदमी कुछ भी कह सकता है, कोई मैं इतना बड़ा नेता तो उन्हें किसी को मंत्री बना दूंगा। साजिश तो रची है देवेंद्र बाबू के साथ, ये बैठक हुई। यहाँ तक क्षेत्र में हेड मोरे हैं जो जिनका प्रमोशन हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला पूरा? ये देखिए, ये वर्तमान में निलंबित चल रहे हैं, निलंबित SI देवेंद्र सिंह, जो पहले पूर्व में हयातनगर थाने पर हेड मोरर के पद पर तैनात थे। इनके द्वारा जो है माल खाने से एक पिस्टल गायब हो गई थी तत्काल उस समय पर, और इसके उस पर इनकी रिपोर्ट तत्कालीन था SO द्वारा दी गई थी, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे माल खाने का चार्ज नहीं दिया, और माल खाने के चार्ज जब कमेटी द्वारा किया गया तो काफ़ी माल उसमें से माल खाने में से गायब मिला। चूँकि इनके चार्ज में था तो इनके ऊपर एक अभियोग हयातनगर थाने पर पंजीकृत किया गया, 456/17 धारा 420/467, और इसमें जो है विवेचना SHO नखासा द्वारा की जा रही थी। इससे पूर्व जो पिस्टल गुम हुई थी उसमें भी एक 240 कैम नंबर हयातनगर में कायम हुआ था, जिसमें इन्होंने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। और उसके उपरांत कल गीता यादव नाम की लड़की ने इनके देवेंद्र यादव पर और इनके परिजनों पर और इनके पुत्र पर एक संगीन आरोप का अभियोग दर्ज कराया है। इन दोनों अभियोग में मुकदमा अपराध संख्या 456 और मुकदमा अपराध संख्या 662 में इनको कल थाना हयातनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, बताया जा रहा है हत्या की भी जैसे सुपारी दे दी थी ये गीता यादव ने स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि ये चार्ज जो है नवरत्न को दिया जाना था, नवरत्न की रिपोर्ट पर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो नवरत्न की हत्या की साजिश की बात जो है उसकी तहरीर में आई है कि इन्होंने 5 लाख में सौदा करके तय कर दी थी, तो इस पर